Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss all about PharmD course. आज हम लोग बात करेंगे PharmD course के बारे में. और friends, इस video में मैं आप लोगों के साथ में सभी के सभी जो points हैं वो यहाँ पे clear करूँगा जो PharmD course से related हैं या उसके साथ में वहाँ पे connect हैं. तो friends, आप लोग मेरे साथ में इस video में starting से लेके end तक बने रहें. तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो PharmD कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद आप लोग जो हैं डॉक्टर बन जाते हैं. आप लोगों को जो है प्रैक्टिस आप लोग वहां पे कर सकते हैं. आप लोग एज अ फिजिशियन वहां पे काम कर सकते हैं. आप लोग खुद का अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, इस कोर्स की जो फुल फॉर्म है वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी. और फ्रेंड्स, इस कोर्स को आप लोग भी फार्मेसी के बाद कर सकते हैं, 12th क्लास के बाद कर सकते हैं. भले ही आप लोगों ने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हो, भले ही आप लोगों ने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया हो, आप लोग दोनों ही कंडीशन में जो है इस कोर्स को कर सकते हैं. और मिनिमम मार्क्स आप लोगों के 12th क्लास में 55% होना जरूरी है. और फ्रेंड्स, इस कोर्स को आप लोग एम फार्म के बाद भी कर सकते हैं, एम फार्मेसी के बाद भी कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, ये जो है एक क्लिनिकल प्रैक्टिस कोर्स है जैसे मैंने आप लोगों को बताया. और फ्रेंड्स, इस कोर्स को करने के बाद जो आप लोगों के लिए बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो अब्रॉड में है. इंडिया में उतनी नहीं है जितनी कि अब्रॉड में है. ये भी एक रियलिटी है, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ. अब फ्रेंड्स, आप लोग जो है इस कोर्स को करने के बाद फर्दर अगर आप लोग अब्रॉड में जाते हैं तो आप लोग वहां पे हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं. और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए अब्रॉड में हायर एजुकेशन में भी जाने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं इस कोर्स को करने के बाद. अब फ्रेंड्स, एडमिशन प्रोसेस की बात करूंगा. फ्रेंड्स, आप लोग इस कोर्स को बहुत सारी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से कर सकते हैं इंडिया के अंदर. बट यहाँ पे क्या है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं इस कोर्स को लेके वो बहुत ही कम है, या जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो बहुत कम है इंडिया के अंदर. और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हैं. तो ये भी आप लोगों को पता यहाँ पे चल गया. और फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें तो अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा. और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं. अब फ्रेंड्स, जो PharmD कोर्स है ये आप लोगों का 7 ईयर का कोर्स है. इसमें आप लोगों को 6 ईयर जो है आप लोगों को पढ़ना होता है, आप लोगों का कोर्स वर्क होता है. और फ्रेंड्स, 1 ईयर की इसमें आप लोगों को इंटर्नशिप करनी होती है. और फ्रेंड्स, जो ये कोर्स है, इस कोर्स को करने की जो टोटल आप लोगों की फीस लगेगी या जो टोटल आप लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा वो अप्रोक्स आप लोगों को 20 लाख के करीब खर्च करना पड़ेगा, या इतना पैसा आप लोगों का खर्च हो जाएगा इस कोर्स को करते करते. अब फ्रेंड्स, जो टॉप जॉब्स हैं इस कोर्स को करने के बाद वो हैं, आप लोग जो है अपना खुद का हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं, या फिर आप लोग किसी फिजिशियन के साथ में, किसी MBBS MD डॉक्टर के साथ में हेल्थ सेंटर में भी काम कर सकते हैं. अब फ्रेंड्स, आप लोग जो है ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, ड्रग से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वहां पे भी आप लोग जा सकते हैं. और फ्रेंड्स, आप लोग डिस्पेंसिंग स्टोर में भी आप लोग जॉब कर सकते हैं. और फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बी फार्मेसी और एम फार्मेसी जो है वो भी फार्मेसी के ही कोर्स हैं, तो उस उन कोर्सों में और इस कोर्स में क्या डिफरेंस है, तो फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो बी फार्मेसी कोर्स है वो एक 4 ईयर का कोर्स है, और फ्रेंड्स जो एम फार्मेसी कोर्स है वो एक आप लोगों का 2 ईयर का मास्टर कोर्स है. बट फ्रेंड्स, ये आप लोगों का 7 ईयर का कोर्स है. तो इसमें आप लोग जब स्टडी करते हैं तो आप लोगों को कई गुना ज्यादा नॉलेज होती है अगर हम लोग उसका कंपैरिजन करें एम फार्मेसी या बी फार्मेसी कोर्स के साथ में. तो फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है ये इसीलिए उन दोनों कोर्सेज से थोड़ा अलग है. और यहाँ पे आप लोग जो हैं फार्मेसी में डॉक्टर बन जाते हैं. तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए. अब फ्रेंड्स, बात करेंगे इस कोर्स की जो पढ़ाई होती है वो आप लोगों की सेमेस्टर वाइज होती है. और फ्रेंड्स, इस कोर्स से रिलेटेड जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर वो कौन कौन से हैं, उस पर मैंने प्रीवियसली अभी जो है चिकीज बायोलॉजी चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी,
उस वीडियो का जो लिंक है मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। और फ्रेंड्स, इस कोर्स को जब आप लोग करेंगे तो आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स वहां पे सेमेस्टर वाइज पढ़ने पड़ेंगे, आप लोगों को वहां पे उनको आप लोगों को उनकी स्टडी करनी पड़ेगी, इस पे भी मैं एक इन डिटेल वीडियो जो है चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा। और फ्रेंड्स, उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें और आप लोग जो है मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। वहां पे भी आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स है मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर